subscribe, and turn your notifications on. Chapter 21, Defamation. इसकी पनिशमेंट क्या है और इसकी सजा क्या है और ये होता कैसे है और ये रिटन फॉर्म पे कब होता है, आप किसी को रिटन फॉर्म पे कैसे कैसे डिफेम कर सकते हैं, आप ऑरली किसी इंसान को कैसे कैसे डिफेम कर सकते हैं, आप अपने अशारों से किसी इंसान को कब डिफेम करते हैं और इनकी सज़ा क्या है जब आप किसी इंसान को ऑरल या रिटन किसी फॉर्म पे या इशारों के साथ उसको डिफेम करते हैं, तो उनकी सजाएं क्या क्या हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। FIR अंडर सेक्शन 499। सेक्शन 499 में पूरी 10 एक्सेप्शंस हैं, मतलब के 10 डिफेंसेस हैं। अगर आपके ऊपर कोई डेफामेशन का केस करता है तो अगर आप इन 10 डिफेंसेस के अंदर फॉल करते हैं तो देन आप उनमें से कोई भी एक डिफेंस या दो डिफेंस के अंदर अगर फॉल करते हैं या 5-6 डिफेंसेस के अंदर फॉल करते हैं या कोई भी एक डिफेंस के अंदर फॉल करते हैं तो आप कोर्ट से केस जीत के निकल सकते हैं। तो पहला डिफेंस क्या है, नंबर 1, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर टू बी मेड और पब्लिश, इट इज नॉट डेफामेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ इट बी फॉर द पब्लिक गुड दैट द इम्प्यूटेशन शुड बी मेड और पब्लिश्ड, वर्दर और नॉट इट इज फॉर द पब्लिक गुड इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। मतलब ये कि किसी भी शख्स के बारे में जो कुछ भी सच बोलते हैं या लिखते हैं मगर ये सच आम आवाम के लिए अच्छी बात हो या अच्छी बात है या फायदे में है, आम आवाम के फायदे में है, तो उस चीज को पब्लिश होना चाहिए। और जो सच आपने बोला है वो आम आवाम के फायदे के लिए है या नहीं है, या आम आवाम के लिए फायदा मंद है या नहीं है जो कुछ आपने बोला है, ये चीज कोर्ट डिसाइड करेगी केस के फैक्ट को देखते हुए। एक्सेप्शन या डिफेंस नंबर 2, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इट इज नॉट डेफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वर्दर विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन कैरिंग आउट ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और विद रिगार्ड टू हिज करेक्टर सो फार हैज हिज करेक्टर अपीयर इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। मतलब ये कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई कंडक्ट करता है तो आप उसकी कंडक्ट और करदार के बारे में ओपिनियन या अपनी राय दे सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं रिटन या ओरल, चाहे आपके उस ओपिनियन से डेफेमेशन होती है तभी आपने कोई डेफिमेशन नहीं की है। जहां तक सरकारी मुलाजम की इन्वॉल्वमेंट है किसी भी कंडक्ट या एक्ट के अंदर आप वहां तक ओपिनियन दे सकते हैं मगर सिर्फ उस कंडक्ट और एक्ट के हद तक आपने ओपिनियन देनी है, उससे आगे नहीं। और वो जो आपकी ओपिनियन होगी पब्लिक सर्वेंट के बारे में वो इन गुड फेथ होनी चाहिए। तो एक और दफा मैं बताऊंगा कि जो वो पब्लिक सर्वेंट के बारे में जो आप ओपिनियन देंगे वो इन गुड फेथ आप ओपिनियन दे रहे होंगे उसके कंडक्ट के बारे में या एक्ट के बारे में, उसके बारे में आप ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर उस ओपिनियन से उसकी जो आप गुड फेथ पे ओपिनियन दे रहे हैं उससे अगर उसकी डेफामेशन भी होती है तो आपने कोई डेफामेशन नहीं की। अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ या किसी भी सरकारी मुलाजिम के बारे में अगर आप उसके किरदार या करेक्टर या उसके किसी इकदाम या उसके किसी एक्ट या उसके किसी कंडक्ट के बारे में कोई ओपिनियन देते हैं अच्छी नीयत के साथ आप ओपिनियन देते हैं तो आपने
कोई डेफेमेशन नहीं की तो आपने कोई डेफेमेशन नहीं की. एक्सेप्शन थर्ड, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन. इट इज नॉट डेफेमेशन टू एक्सप्रेस इन अ गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड विद रिगार्ड टू हिज करेक्टर सो फार हैज हिज करेक्टर अपियर इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर. मतलब ये कि अगर कोई इंसान अपने कंडक्ट से किसी पब्लिक इंटरेस्ट के अंगेंस्ट कुछ करता है या कुछ बोलता है या अवामी सवाल को छेड़ता है कोई भी इंसान, तो आप तब उस इंसान के कंडक्ट और करदार के बारे में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, चाहे आपकी उस ओपिनियन से डेफेमेशन भी हो जाए तो आपने कोई डेफेमेशन नहीं की है. बस ख्याल रहे कि जो आप ओपिनियन दे रहे हैं वो उस पब्लिक क्वेश्चन को जो उस बंदे ने छेड़ा उस हद तक हो, उससे ज्यादा नहीं, यानी कि उस टॉपिक के हद तक और उस क्वेश्चन के हद तक, उस कंडक्ट के हद तक हो, उससे बाहर नहीं फैलना. आपने ओपिनियन देनी है बस उस कंडक्ट के हद तक जहां पर किसी बंदे ने किसी पब्लिक क्वेश्चन को छेड़ा है या अवामी सवाल को छेड़ा है, तो आप अपनी ओपिनियन दें चाहे उससे उस बंदे की डेफेमेशन भी हो रही है, लेकिन आपने उस कंडक्ट की हद तक ही अपनी ओपिनियन देनी है, उससे बाहर नहीं जाना. तो अगर आपकी ओपिनियन से किसी की डेफेमेशन होती है तो अगर वो बंदा आपको प्रकेश करता है तो आप कोर्ट में जाके आराम से एक्सेप्शन के अंडर आपको डिफेंस मिल जाएगा और आपके ऊपर कोई आपका केस वहीं खत्म हो जाएगा कोर्ट के अंदर. एक्सेप्शन नंबर फोर, मतलब कि डिफेंस नंबर फोर, अगर आपका कंडक्ट इसके अंदर फॉल करता है तो कोर्ट के अंदर आप डिफेंस लेके केस से आराम से बच सकते हैं. पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट. इट इज नॉट डेफेमेशन टू पब्लिश अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग. मतलब ये कि किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग की एक हकीकी रिपोर्ट पब्लिश करना या किसी भी तरह की प्रोसीडिंग या कार्रवाई की एक हकीकी या सच्ची रिपोर्ट पब्लिश करना डेफेमेशन नहीं है. बट अगर कोर्ट ने वो अलाउ किया है, बट कहीं प्रोसीडिंग किसी कुछ प्रोसीडिंग कोर्ट की ऐसी होती है वहां पर कोर्ट लिख देती है कि इस प्रोसीडिंग को पब्लिश नहीं किया जाएगा, इस कोर्ट की कार्रवाई को पब्लिश नहीं किया जाएगा, इस कोर्ट के ऑर्डर्स को पब्लिश नहीं किया जाएगा किसी भी जगह, मीडिया में, कहीं भी, तो अगर आप उस कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेशन करते हैं तो वो एक बहुत ही संगीन और बहुत ही, यानी कि एक क्राइम है, संगीन किस्म का क्राइम है. तो अगर कोर्ट ने इस तरह का कोई ऑर्डर दे दिए कि इसको पब्लिश नहीं करना, देन आपने पब्लिश नहीं करना, अदरवाइज आप किसी और केस के अंदर फंस जाएंगे. हाँ, कोर्ट की आम जो प्रोसीडिंग होती है जो चल रही है, उनके ऑर्डर या कोई किसी किस्म की प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसको पब्लिश करना, लेकिन उसकी ट्रू और सच्ची कॉपीज को आप पब्लिश करेंगे, अपनी तरफ से नहीं एडिट करना. कोर्ट की सेम टू सेम, यानी कि जो प्रोसीडिंग होगी और कॉपीज होंगी उनको सेम तरह ही आपको हैज जैसे होंगी वैसे ही पब्लिश करना होगा. सही हो गया? तो उसको हम डेफेमेशन नहीं कहेंगे. एक्सेप्शन नंबर फाइव, मतलब कि डिफेंस नंबर फाइव, अगर आपका एक्ट या कंडक्ट, अगर आपने कुछ बोला है, लिखा है, अगर इसके अंदर फॉल करता है और आपके ऊपर डेफेमेशन का केस हो गया है, तो आप अगर इस चीज के अंदर फॉल करते हैं जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो आप कोर्ट से डिफेंस लेके इस केस से निकल सकते हैं डेफेमेशन के. मेरिट ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न. इट इज नॉट डेफेमेशन टू एक्सप्रेस इन अ गुड फेथ any opinion whatever with regard to the merits of case civil or criminal which has been decided by a court of justice or with regard to conduct of any person as a party witness or agent in any such case or with respect to the character of such person as far as his character appear in that conduct and no further. मतलब ये कि अगर आपने good faith में किसी केस के बारे में जो अभी चल रहा है या जो केस डिसाइड
कर दिया गया है कोर्ट ने या जो केस कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, आप उन केसेस के मेरिट के ऊपर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। आप उस केस की पार्टीज, विटनेस और एजेंट और उस केस रिलेटेड जो किरदार या करेक्टर है किसी का भी, आप उस केस की हद तक उन सब के ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं, चाहे आपकी उस ओपिनियन से डेफेमेशन भी हो जाती है, तो तब भी आपने कोई डेफेमेशन नहीं की है अपनी ओपिनियन देकर। और अगर आपके ऊपर कोई फिर भी केस करता है तो आप कोर्ट के अंदर ये डिफेंस लेके आप आराम से इस केस से बच जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल है, ए से इन गुड फेथ आई थिंक जेड एविडेंस ऑन द ट्रायल इज सो कंट्रडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट हैज ए एक्सप्रेस हिज ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू जेड करेक्टर हैज इट अपीयर इन जेड कंडक्ट हैज अ विटनेस एंड नो फर्दर। मतलब ये कि ए ने कहा जेड के बारे में कि जो जेड का जो यानी कि है उसकी जो एविडेंस है वो उसके बारे में उसने अपने रिमार्क्स दिए जो कि डेफेमेटरी थे, लेकिन उसने वो जो रिमार्क्स दिए उसकी एविडेंस के बारे में दिए और केस की हद तक दिए, यानी कि उसका जो एविडेंस है ठीक है इस केस में वो एक स्टूपिड है ठीक है, या उसने डिसऑनेस्ट होकर उस एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एविडेंस केस के साथ रिलेटेड है, सही है ना, एविडेंस जो है वो केस के साथ लिंक है। तो उसने उस केस के सिनेरियो में बात की, तो यहाँ पर वो उस केस के उसके एविडेंस को ठीक है और उसके विटनेसेस को कुछ भी कह सकता है उस केस की हद तक, ठीक है यहाँ पर अलाउ है, यहाँ पर वो डेफेमेशन नहीं होती। हाँ वो अलहदा बात है कि अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल, बट इफ ए से आई डू नॉट बिलीव दैट जज स्टेटेड एट द ट्रायल बिकॉज आई नो हिम टू बी अ मैन विदाउट ऑनेस्टी ए ओपिनियन नॉट फाउंड ऑन जेड कंडक्ट हैज अ विटनेसेस बट ओवरऑल हिज करेक्टर। अच्छा यहाँ पर जो ए ने बात की है उसके ओवरऑल करेक्टर के बारे में बात की है, एविडेंस के बारे में बात नहीं की ना, उसके विटनेसेस के बारे में बात की है। उसने कहा जो जेड है उसको मैं शुरू से ही जानता हूँ और वो कोई डिसऑनेस्ट किस्म का इंसान है, ठीक है जो ये जो अल्फाज है थोड़ा सा चेंजिंग आई है यहाँ पर, उसने डेफेमेशन कर दिए। आप उसके एविडेंस केस रिलेटेड जो उसका कंडक्ट है आप उसको झूठा सच्चा जो मर्जी के वो डेफेमेशन नहीं है, लेकिन आप उसके ओवरऑल करेक्टर के बारे में एक सवाल उठा देंगे कि ये बंदा ही झूठा है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, ये शुरू से जानता हूँ, ये है ही झूठा ये वो, ठीक है ये डेफेमेशन है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं जो उसने एविडेंस दिए झूठी गवाही दी है, जो उसने एविडेंस दिए इसने ये झूठ बोला है, जो उसने विटनेस दिए ये झूठे विटनेस हैं। अच्छा साथ में वर्ड विटनेसेस और एविडेंस यूज हो रहा है, इसका मतलब है हम केस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने डेफेमेशन नहीं की। एक्सेप्शन या डिफेंस नंबर 6, इट इज नॉट डेफेमेशन टू एक्सप्रेस इन अ गुड फेथ एनी ओपिनियन विद रिगार्ड टू द मेरिट ऑफ एनी परफॉर्मेंस व्हिच इट्स ऑथर हैज सबमिट टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक और विद रिगार्ड टू द करेक्टर ऑफ द ऑथर एज फार एज हिज करेक्टर अपीयर इन सच परफॉर्मेंस एंड नो फर्दर। मतलब ये कि जब कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब कुछ लिखता है या बोलता है और आप पब्लिक को कमेंट करने के लिए कुछ खुद ही इनवाइट करते हैं या खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, और अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी करता है या बोलता है तो वो डेफेमेशन नहीं है। अगर कोई वीडियो अनलाइक करता है, अगर कोई बैड कमेंट करता है तो वो डेफेमेशन नहीं है। ऐसे ही अगर किसी राइटर ने कुछ लिख दिया है और कमेंट के लिए बोला है सबको, और ऐसे में कुछ अच्छे कमेंट आ रहे हैं और कुछ बुरे कमेंट आ रहे हैं, तो ऐसे में जो बुरे कमेंट आ रहे हैं वो डेफेमेशन नहीं है। हाँ लेकिन उस केस में जो कमेंट आ रहे हैं, जो बुरे कमेंट आ रहे हैं, वो कमेंट सिर्फ उस परफॉर्मेंस की हद तक होने चाहिए, यानी कि जो चीज़ उसने पब्लिक में सबमिट की है या पब्लिक से उस परफॉर्मेंस के बारे में पूछा है, या वो किताब है या कोई गाना है या कोई वीडियो है, उस वीडियो की हद तक कमेंट आने चाहिए, उसकी अंदर जो परफॉर्मेंस है उसके हद तक कमेंट होने चाहिए। अगर वो जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो उसकी उस परफॉर्मेंस से बाहर यानी कि होंगे तो वो डेफेमेशन पे काउंट होगा। तो जो चीज़ आपको सबमिट की है आप उसको अच्छा बुरा कह सकते हैं, जैसे आप मूवी देख के बाहर निकलते हैं आप कहते हैं कि हाँ ये इस एक्टर ने इस मूवी के अंदर बहुत ही
बुरा रोल प्ले किया है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये एक्टर है ही इस तरह का और है ही बुरा, तो ये डेफेमेशन है। तो आप उस जो चीज़ सबमिट हुई है, जो चीज़ आपने देखी है, चाहे गाना है, वीडियो है, बुक है, आप उसको बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन उसकी हद तक, यानी कि जो किताब है, यानी कि जो परफॉर्मेंस आपको जिसने सबमिट की है, जो किताब भी हो सकती है, वो बुक भी हो सकती है, वो गाना भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकती है, आप उसको सिर्फ बुरा और भला कह सकते हैं, बुरा या अच्छा कह सकते हैं उसकी हद तक। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। ए पब्लिश अ बुक सबमिट दैट बुक टू द पब्लिक फॉर द जजमेंट। यहाँ पर ए ने एक बुक लिखी है और उसने पब्लिक के अंदर सबमिट कर दी वो बुक के वो उसके ऊपर कोई कमेंट्स करें, तो यहाँ पर जो बुरे और अच्छे कमेंट्स आएंगे उस बुक के ऊपर, उस बुक के अंदर जो मटेरियल होगा उसके बारे में जो कमेंट्स आएंगे, तो जो बुक का जो पब्लिशर है वो उन लोगों पर केस नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो केस करेगा उन लोगों ने जो जिन लोगों ने बुरे कमेंट किए हैं, तो वो लोग जाके इसके अंदर ये एक्सेप्शन नंबर 6 या डिफेंस नंबर 6 का डिफेंस ले लेंगे कोर्ट से और छुट जाएंगे। ए मेक अ स्पीच इन पब्लिक सबमिट्स दैट स्पीच टू द पब्लिक फॉर द जजमेंट। इसी तरह एक स्पीच है, अगर आपने किसी स्पीच के बारे में बुरे और अच्छे कमेंट्स दिए हैं और आपने जो बुरे कमेंट्स वाले हैं उनके ऊपर आपने केस कर दिए, तो वो लोग जाके कोर्ट से जाके डिफेंस ले लेंगे कि इसने तो खुद ही स्पीच सबमिट की थी हमें अच्छे और इनके बुरे कमेंट देने के लिए मेरी स्पीच के ऊपर, ठीक है ना, तो वो कोर्ट से जाके ले लेंगे। आ एक्टर एंड अ सिंगर हु अपीयर ऑन अ पब्लिक स्टेज सबमिट हिज एक्टिंग और सिंगिंग टू द पब्लिक फॉर द जजमेंट। इसी तरह एक एक्टर है या एक सिंगर है, वो स्टेज के ऊपर है और वो सिंगिंग कर रहा है और वो जाहिर सी बात वो सिंगिंग कर रहा है और उसने अपने आप को पब्लिक प्लेटफॉर्म में यानी कि खुद ही पेश किया हुआ है और खुद ही खड़ा किया हुआ है अपने आप को, और वहाँ पर उसको अच्छे और बुरे कमेंट्स दोनों आएंगे। तो अगर तो वो सिंगर को बुरे कमेंट्स आते हैं और वो FIR कटवा देता है बुरे कमेंट्स वालों के ऊपर, तो जो बुरे कमेंट्स जिन लोगों ने दिए होंगे वो कोर्ट पर जाकर डिफेंस ले लेंगे कि इसने खुद ही अपने आप को प्रेजेंट किया था पब्लिक पे और हमें अपनी यानी कि इस सिंगर की जजमेंट करनी है अच्छे और बुरे कमेंट्स से। तो लेकिन वो जो कमेंट्स होने चाहिए वो ये है, जो बुरे कमेंट्स होने चाहिए वो उसकी परफॉर्मेंस की हद तक हो, जो वो सिंगिंग कर रहा है, जो उसने किताब दी है या उसने जो स्पीच दी है, उस स्पीच का जो मटेरियल है, जो सिंगिंग का मटेरियल है, उस किताब का जो मटेरियल है उसकी हद तक होनी चाहिए। उससे बाहर अगर आप जाएंगे तो वो डेफेमेशन के अंदर आ जाएगा। इफ ओपिनियन नॉट फाउंड और रिलेटेड टू ए बुक या स्पीच और एक्टिंग और सिंगिंग एंड ओपिनियन वेंट फर्दर हैज कंडक्ट ऑन ओवरऑल हिज करेक्टर इज डेफेमेशन। तो वही बात कि अगर आप उस स्पीच या एक्टिंग या सिंगिंग से बाहर जाके उसको कोई कमेंट या टोंट या उस तरह से बुरे कमेंट करेंगे तो वो डेफेमेशन ही होगा। तो सिंगिंग का जो मटीरियल है, उस बुक का जो मटीरियल है, उस स्पीच का जो मटीरियल है, उसके ऊपर आप कमेंट्स बुरे या अच्छे कर सकते हैं उस बंदे के बारे में, लेकिन उससे बाहर नहीं जाएंगे। डिफेंस नंबर 7, सेंश्योर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। इट इज नॉट डेफेमेशन इन अ पर्सन हैविंग ओवर एन अदर एनी अथॉरिटी आइदर कन्फर्म बाय लॉ और राइजिंग आउट ऑफ अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट मेड विद दैट अदर टू पास इन अ गुड फेथ एनी क्रिटिसिज्म ब्लेम कंडेम्ड ऑन द कंडक्ट ऑफ दैट अदर इन मैटर्स टू विच सच लॉफुल अथॉरिटी रिलेट्स। मतलब ये कि बोनाफाइड सेंश्योर का मतलब होता है या फिर लॉ के अकॉर्डिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, दो तरीके से बोनाफाइड सेंश्योर होता है, लॉ से या कॉन्ट्रैक्ट से। अगर लॉफुल ये है कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अगर कुछ करते हैं, गुस्सा वगैरह करते हैं इस तरह से, यू नो, ये लॉ के अकॉर्डिंग है। और कॉन्ट्रैक्ट ये है जैसे सर्वेंट इनके एक मास्टर अपने सर्वेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, टीचर स्टूडेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सही है। बट यहाँ पर द एलिमेंट ऑफ गुड फेथ होना चाहिए, जो आप उसको ब्लेम करें या
क्रिटिसाइज कर रहे हो वह आपको कोर्ट पे जाके प्रूफ करना होगा. अगर तो स्टूडेंट टीचर के ऊपर केस कर देते हैं तो टीचर को प्रूफ करना होगा कि उसने ये जो बोला था ये गुड फेथ पे बोला था, और ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि गुड फेथ होता क्या है और ये केस टू केस मैटर करता है. अगर एक मास्टर ने अपने सर्वेंट को कुछ बोल दिया और उस सर्वेंट ने आपके ऊपर FIR कटवा दी है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको यहाँ पर डिफेंस मिलना चाहिए है या नहीं. ठीक है, ऑल दो कॉन्टैक्ट है, ऑल दो बाय अकॉर्डिंग टू द लॉ है, बट यहाँ पर एक एलिमेंट है कि गुड फेथ डिसाइड करेगी जो आपने चीज़ें बोली हैं. ठीक है, वो आपने विद गुड फेथ चीज़ें बोली हैं या नहीं, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, चाहे वो यू नो मास्टर हो. तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं. अ जज क्रिटिसाइज ब्लेम एंड कंडेम्ड इन अ गुड फेथ द कंडक्ट ऑफ अ विटनेस. तो यहाँ पर एक जज ने यानी कि अपनी अदालत में एक विटनेस को क्रिटिसाइज किया इन गुड फेथ. अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्रिटिसाइज ब्लेम इन अ गुड फेथ, एक अच्छी नीयत के साथ, those who are under his order, जो उसके you know good faith element of good faith आ रहे हैं यहाँ पर. A parent criticize, blame, condemned in good faith our children, यहाँ पर फिर good faith आ रहे हैं, in the presence of other children. Our school master criticize, blame, condemned in a good faith our student in the presence of other student. तो यहाँ पर फिर element of good faith आ रहा है. A person criticize, blame, condemned a servant in good faith, a master. एक master ने अपने servant को criticize किया, blame किया good faith के साथ. The element of good faith होना चाहिए. Although आप जैसे master और student का या masters और एक servant का एक connection होता है, वो contract का है, by contract आप bound हो. सही है, आप उसको criticize कर सकते हो, आप स्टूडेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप अपने सर्वेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो. टीचर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो बाकी टीचर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट उस क्रिटिसिज्म में एलिमेंट ऑफ गुड फेथ होना चाहिए. अगर एलिमेंट ऑफ गुड फेथ नहीं होगा तो आपको कोर्ट के अंदर डिफेंस नहीं मिलेगा. तो इन सारे केसेस में आपके ऊपर केस हो सकता है और ये डिफेंस आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो आपने बोला है, लिखा है, वो आपने गुड फेथ पे किया था या नहीं किया था. तो ये आप अगर जब कोर्ट पे प्रूफ करेंगे जो आपने बोला है, क्रिटिसाइज किया था किसी स्टूडेंट को या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने किसी टीचर को या मास्टर ने अपने किसी सर्वेंट को, तो यहाँ पर जो क्रिटिसाइज कर रहा होगा उसको कोर्ट पे प्रूफ करना होगा. अगर प्रूफ कर दिया तो डिफेंस मिल जाएगा, चला जाएगा, छूट जाएगा. डिफेंस नंबर 8, एक्विजिशन प्रेफर इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन. इट इज नॉट डेफेमेशन टू प्रेफर इन गुड प्रेफर इन फेथ एनी एक्विजिशन अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु हैव लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्विजिशन. मतलब ये कि अगर आप किसी इंसान की गलती पॉइंट आउट करते हैं गुड फेथ में, या आप अगर किसी इंसान की शिकायत लगाते हैं गुड फेथ में, या आप अगर किसी इंसान के बारे में ब्लेम करते हैं गुड फेथ में, या अगर आप किसी इंसान के ऊपर चार्जेस लगाते हैं गुड फेथ में, किसी लॉफुल अथॉरिटी के पास जाकर और उस लॉफुल अथॉरिटी के पास अख्तियार और पावर हो उस मैटर शिकायत या ब्लेम को सुनने का, तो इस चीज़ को हम डेफेमेशन नहीं कहेंगे. जो आपने शिकायत लगाई होगी, जो आपने ब्लेम लगाए होंगे उस लॉफुल अथॉरिटी के पास जाकर, या शिकायत लगाई होगी लॉफुल अथॉरिटी के पास जाकर, ब्लेम लगाया होगा लॉफुल अथॉरिटी के पास जाकर, या कोई एप्लीकेशन दी होगी लॉफुल अथॉरिटी के पास जाकर, या कोई पिन पॉइंट की होगी या किसी की गलती बताई होगी उस लॉफुल अथॉरिटी के पास जाकर, तो ये शिकायत लगाना और बताना लॉफुल अथॉरिटी को, ये डेफेमेशन के अंदर काउंट नहीं होता. और अगर आपके ऊपर कोई, आपने आगे जाके शिकायत लगाई है किसी लॉफुल अथॉरिटी के पास जाकर और किसी ने आपके ऊपर केस कर दिए कि इसने तो डेफेमेशन की है उस लॉफुल अथॉरिटी को शिकायत लगा के मेरी, तो ये डेफेमेशन नहीं होगा, आपको कोर्ट से आराम से डिफेंस मिल जाएगा. यहाँ पर एग्जांपल है, ए इन गुड फेथ ब्लेम सेट बिफोर अ मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट एक लॉफुल अथॉरिटी है, ए ने अच्छी नीयत के साथ जेड की शिकायत लगा दी.
A, in good faith complain of the conduct of Z, a servant. ठीक है, तो यहाँ पर A था, उसने जो Z का जो servant था ना, तो उसकी servant की शिकायत लगा दी Z को, यानी कि उसके servant के बारे में Z को शिकायत लगा दी. तो ये जो शिकायत लगाई है, तो master की lawful authority होती है अपने servant के ऊपर, तो वो सही बंदे के पास की है. A, in good faith complains the conduct of Z, a child, to Z father. तो यहाँ पर A ने, एक बच्चा था Z का, ठीक है, तो A ने Z के बच्चे के बारे में जो शिकायत लगाई उसके फादर को लगाई. तो फादर लॉफुल अथॉरिटी है अपने बच्चे के ऊपर, उसकी लॉफुल अथॉरिटी है एक फादर की, तो यहाँ पर भी कोई डेफामेशन नहीं हुई. तो लॉफुल अथॉरिटी के पास शिकायत लगाना, कोई चीज़ बताना, पिन पॉइंट करना, ब्लेम या चार्जेस लगाना, इसको डेफामेशन पे नहीं कहते. अगर फिर भी कोई आपको प्रकेश कर दे, तो आप आराम से डिफेंस लेके जा सकते हैं कोर्ट से. एक्सेप्शन नंबर 9, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट. इट इज नॉट डेफामेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द करेक्टर ऑफ अदर प्रोवाइडेड दैट द इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट और एनी अदर पर्सन और फॉर द पब्लिक गुड. मतलब ये कि इसमें जो पर्सन कमेंट कर रहा है या कुछ लिख रहा है या कुछ बोल रहा है, वो उसके हक में है या उस दूसरे इंसान के हक पे है या फिर पब्लिक के हक पे है. तो ऐसे में जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं अपने इंटरेस्ट और हक को बचाने के लिए या किसी दूसरे इंसान के इंटरेस्ट और हक को बचाने के लिए या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट और हक को बचाने के लिए अगर आपने कोई एलिगेशन लगाई है बोल के या फिर लिख के, ऐसा आपने अच्छी नीयत से किया हो, तो आपने कोई डेफेमेशन नहीं की है एलिगेशन लगाकर. अगर केस हो जाता है तो एलिगेशन लगाने वाले को ये प्रूव करना होगा कि उसने जो बोला है या जो लिखा है गुड फेथ में बोला है या लिखा है. और ये जो गुड फेथ है ये कोर्ट डिसाइड करेगी डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट ऑफ द केस. यहाँ पर एग्जांपल है, एक शॉपकीपर था, उसने अपने मैनेजर को कहा कि जो जी है ना उसको कोई चीज़ नहीं देनी या कोई चीज़ नहीं बेचनी तब तक जब तक वो पैसे ना दे. तो जो शॉपकीपर था उसने ये जो बात की है और ये जो एलिगेशन लगाया है या इस तरह से जो बात की है किसके खिलाफ, जी के खिलाफ, कि जी को कोई चीज़ नहीं देनी अगर वो आएगा क्योंकि जी पैसे नहीं देता या इस तरह से. तो ये जो एलिगेशन लगाई है उसने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, तो ये जो चीज़ है ये डेफेमेशन नहीं है. और अगर केस हो भी जाता है उसके ऊपर तो वो कोर्ट में आराम से इसका डिफेंस ले लेगा इस एक्सेप्शन का. अच्छा, तो एक इसी तरह एक मैजिस्ट्रेट है, अ मैजिस्ट्रेट मेकिंग अ रिपोर्ट टू हिज ऑन सीनियर ऑफिसर कास्ट एन इम्प्यूटेशन टू द करेक्टर ऑफ जी. इसी तरह अगर एक मैजिस्ट्रेट है वो एक गुड फेथ पे अपने सीनियर की रिपोर्ट बना देता है, तो ये भी डेफेमेशन के अंदर काउंट नहीं होगी क्योंकि वो जो ऐसा काम कर रहा होगा वो गुड फेथ पे कर रहा होगा और पब्लिक के इंटरेस्ट पे कर रहा होगा. तो इस ऐसे में जो मैजिस्ट्रेट है जो उसने अपने सीनियर के बारे में कोई सीनियर ऑफिसर के बारे में कोई रिपोर्ट वगैरह बना के वो आगे पास करता है तो या एलिगेशन लगा के आगे पास करता है तो ये चीज़ डेफामेशन पे काउंट नहीं होती. अगर केस हो भी जाता है तो वो इस सेक्शन के अंदर, एक्सेप्शन के अंडर, डिफेंस के अंडर प्रोटेक्शन लेके केस से निकल जाएगा. एक्सेप्शन और डिफेंस नंबर 10, कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड और पर्सन टू होम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड. इट इज नॉट डेफामेशन टू कन्वे अ कॉशन इन गुड फेयर टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed or
of some person in whom that person is interested or for the public good. मतलब ये कि अगर आप किसी इंसान को गुड फेथ के साथ अच्छी नीयत के साथ कोई सेफ्टी लेने के लिए बोल रहे हैं या कोई एहतियात लेने के लिए बोल रहे हैं या केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं या प्रिकॉशन के लिए बोल रहे हैं तो ये डेफेमेशन पे काउंट नहीं होता और अगर आपके ऊपर केस हो भी जाता है तो आप कोर्ट पे ये डिफेंस लेके छूट सकते हैं आराम से. यहां पर एक एग्जांपल है, अ शॉपकीपर कन्वे अ कॉशन इन अ गुड फेथ टू अ मैनेजर ऑफ, यानी कि उसने मैनेजर को कहा, उसने एहतियात लेने के लिए कहा मैनेजर को कि जो जी है उसको कोई चीज तब तक ना बेचना जब तक वो पैसे नहीं देगा, तो ये एहतियात है. ठीक है, और इसी तरह पर्सन जिस पर्सन के अंदर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके बच्चे हैं, आपके कजन्स वगैरह हैं, आपके माँ बाप हैं, तो आप किसी को जाके कह सकते हैं कि तुम उनको तंग ना करो, तुम उनको ये ना करो. ठीक है, इस तरह से अगर आप किसी को जाके इस तरह की बात कहते हैं और अपने माँ बाप के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कजन्स के लिए या अपने सर्वेंट के लिए या अपने मुलाजम के लिए जो आपके नीचे काम करें, इस तरह से तो आप उनके बिहाफ पे जाके कह सकते हैं कोई बात, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उन लोगों के ऊपर. तो इसलिए तो आपने कोई डेफेमेशन नहीं की, आप गुड फेथ पे जाके अच्छी नीयत के साथ जाके कर सकते हैं या पब्लिक इन लार्ज के लिए. जैसे कोई चीज ऐसी भी आप बोल सकते हैं, अगर वो पब्लिक इन लार्ज के इंटरेस्ट के लिए तो आप वो बोलेंगे तो वो चीज डेफेमेशन नहीं होगी. तो इस सेक्शन के अंदर तीन चीजें थी, यानी कि जो आखिरी नंबर 10 डिफेंस और एक्सेप्शन था, इसके अंदर सिर्फ तीन चीजें हैं. नंबर 1, उस इंसान की अच्छाई के लिए, यानी कि अच्छाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए या फिर कुछ लोगों का अच्छा हो जिनसे या जिनमें आप दिलचस्पी रखते हो, जो आपने बोला है या लिखा है आपने उन लोगों के लिए लिखा है या उन लोगों के लिए बोला है जिन लोगों के अंदर आप दिलचस्पी रखते हैं. सही है, या आपने कुछ ऐसा बोला है या लिखा है जिससे एक आम आवाम को फायदा होता हो, तो ये तीन चीजें, या फिर जिससे आपका फायदा हो या जिससे उन लोगों का फायदा हो जिसके जिन लोगों पे आप दिलचस्पी या इंटरेस्ट रखते हैं या आम आवाम का फायदा हो रहा हो, और ऐसी चीज जो आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं आप अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं अपने फायदे के लिए या उन लोगों के फायदे के लिए जिनके अंदर आप दिलचस्पी रखते हैं या उनके अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आम आवाम के लिए, ये तीन चीजें हैं. सही है, और ये आप अच्छी नीयत के साथ यू नो बात कन्वे कर रहे हो या बोल रहे हो या एलिगेशन लगा रहे हो अच्छी नीयत के साथ, तो ये चीज. अच्छा, अब आखिरी है प्रिविलेज कम्युनिकेशन. इट कैन बी अब्सॉर्ब दैट आउट ऑफ द अबव मेंशन. अच्छा, जो सेक्शन 9 एंड 10 है, जो सेक्शन 9 और 10 है, जो यानी कि एक्सेप्शन 9 और 10 है, वो बेसिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में है और उसके अंदर एलिमेंट ऑफ गुड फेथ होना बहुत जरूरी है. एलिमेंट ऑफ गुड फेथ होना बहुत जरूरी है. सही है, अच्छा, उसके अलावा जो यानी कि एक्सेप्शन 1 and 4 है उसको 100% ट्रू होना चाहिए. जो एक्सेप्शन 1 and 2 है उसको 100% ट्रू होना चाहिए. अगर वो 100% ट्रू नहीं होगी तो आप उसका डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते. और जो उसके अलावा एक्सेप्शन नंबर 2, 3, 5, 6 and 7 है, इट शुड बी मेड इन गुड फेथ. उसके अंदर एलिमेंट ऑफ गुड फेथ होना चाहिए तो आपको डिफेंस मिल जाएगा. तो आपको जिस कोर्ट के अंदर एलिमेंट ऑफ गुड फेथ प्रूफ करना होगा. सही है, तो ये चीज है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन.